भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान गाड़ी बंगला और सुरक्षा न लेने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज करोड़ों का दरवाजा लगा रहे हैं। आम आदमी के लिए केजरीवाल के दरवाजे बंद हो गए हैं और अपने महल को ठीक कराने के नाम पर वो जनता की कमाई के 10 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। आम जनता अस्पतालों की बदतर स्थिति के कारण मरती रही, गंदा पानी कर कई सारी बीमारियों को दावत देती रही, ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ती रही, राशन के बिना भूखी सोती रही, लेकिन केजरीवाल जी को ऐशो आराम के सब हाथ चाहिए। नई दिल्ली से आरके जायसवाल की रिपोर्ट। पहचान लिया होगा, ये दिल्ली में आम आदमी के रूप में, एक आम आदमी के वेश में एक खास आदमी है और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था और कई लोगों को ज्ञान और नसीहत दी थी। ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में हम आएंगे तो न गाड़ी होगी न बंगला होगा। और वो जब सत्ता में आए तो कैसे उन्होंने अपना चरित्र बदला, वो आप सबने देखा है। किस तरह से उन्होंने एक फ्लैट से, डुप्लेक्स फ्लैट से बंगला में आए, चलिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, बंगला सुरक्षा की दृष्टि से भी है, बंगला ले लिया, चलो इस तक ठीक है। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आए, फिर गाड़ियों के काफिले में आए और अब वो बंगले के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है। वो केजरीवाल जी अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो पैसा वो अपने फंड से नहीं दे रहे, सरकारी फंड से। और सरकारी फंड आता कहां से है? सरकारी फंड आता है जो दिल्ली की जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से वो सरकारी पैसा अपने बंगले पर अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर रहे हैं। ये मेरे पास ये वर्क ऑर्डर है,